हेलो दोस्तों, तो वापस आ गया हूँ एक और बैटरी टेस्ट आपके लिए लेके। आज काफी टाइम बाद अंडर 10,000 वाले सेगमेंट पे हम नजर डालने वाले हैं। कुछ बहुत ज्यादा अच्छे लॉन्चेस वैसे दिखे नहीं है इस साल, पर खैर मोटो E32S है हमारे पास, इन्फिनिक्स का हॉट 1122 और हॉट 12 प्ले यहाँ पे है, माइक्रोमैक्स N2C है हमारे पास, रियलमी C31 और रियलमी C30। सबसे सस्ता फोन यहाँ पे माइक्रोमैक्स है, सबसे महंगा फोन मोटो E32S है। बाकी देखते हैं आज कैसा परफॉर्म करेंगे, बैटरी लाइफ कौन अच्छी देगा, चार्जिंग स्पीड में कौन अच्छा है, गेमिंग वगैरह अगर आपको करनी है तो कौन सा फोन सही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन आपको बताता हूँ, यहाँ पे मोटो E32S अकेला फोन है जिसमें हमें 90Hz की स्क्रीन मिलती है, बाकी सारे फोन 60Hz वाले हैं। लेकिन सारे ही फोन 720p डिस्प्ले पे अटके हुए हैं अभी तक, सिर्फ इन्फिनिक्स हॉट 1122 है जो फुल HD 1080p डिस्प्ले के साथ आता है। तो मोटो E32S पे भी हमने ऑटो पे छोड़ दिया रिफ्रेश रेट, अकेले इसको 90 पे चलाने का कुछ फायदा है नहीं। बाकी वही सारे फोन्स पे मैक्सिमम ब्राइटनेस है, सारे फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, सारे फोन्स पे स्पीकर वॉल्यूम हम मैक्सिमम पे रखने वाले हैं। बैटरी कैपेसिटीज की बात करते हैं तो इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले यहाँ पे 6000 mAh बैटरी के साथ आता है, बाकी सारे फोन में ही 5000 mAh की बैटरी है। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 घंटे का वीडियो प्लेबैक राउंड है, 2 घंटे तक लगातार यहाँ पे यूट्यूब वीडियो प्ले करेंगे। और यहाँ पे देखो 720p डिस्प्ले है तो बहुत ज्यादा शार्प नहीं है डिस्प्ले, लेकिन वीडियो वगैरह देखने में फिर भी उतना फर्क आपको नहीं पता चलेगा। हॉट 1122 पे फुल HD डिस्प्ले है लेकिन ऐसा कुछ आपको डिफरेंस यहाँ से पता नहीं चल रहा होगा। बाकी रियलमी के दोनों फोन्स और माइक्रोमैक्स में हमें अभी भी वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है जो थोड़ी पुरानी वाली वहां पे फीलिंग आती है। एक्चुअल जो फर्क आपको पड़ेगा असली यूज में वो है ब्राइटनेस का, और उस मामले में मोटरोला और रियलमी के दोनों फोन्स थोड़े से ठीक हैं। बाकी पर ऐसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, किसी भी फोन को मैं यहाँ पे क्लियर विनर या लूजर नहीं बोल सकता हूँ। स्क्रीन ब्राइटनेस भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ, मोटो E32S पे 300 निट्स के अराउंड मैक्सिमम है, हॉट 1122 पे सिर्फ 170 के आसपास है, हॉट 12 प्ले भी 200 के आसपास है, बस काफी कम यहाँ पे लग रही है ब्राइटनेस। माइक्रोमैक्स N2C फिर भी 270-250 निट्स तक जा रहा है, रियलमी C31 भी 250-260 तक है, और C30 जस्ट 300 के अराउंड टच कर रहा है। अब यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा होगा इन्फिनिक्स के दोनों फोन्स में काफी कम लग रही है ब्राइटनेस, बाकी चारों फोन्स में फिर भी ठीक ठाक है। ये पता नहीं क्यों हुआ है, क्योंकि वैसे दोनों इन्फिनिक्स के फोन्स में 450 निट्स के अराउंड की पीक है, लेकिन पूरी वाइट स्क्रीन करने के बाद वो ब्राइटनेस लेवल क्लियरली नहीं दिखा पा रहे हैं इन्फिनिक्स के फोन्स। वीडियो प्लेबैक राउंड के बाद ये है बैटरीज का हाल, और मतलब 720p स्क्रीन के हिसाब से थोड़ी ज्यादा बैटरी इन्होंने लूज कर दी है ऐसा लग रहा है। रियलमी के दोनों फोन तो काफी पीछे चले गए हैं, सबसे अच्छी बैटरी होल्ड करी है अभी हॉट 12 प्ले ने। स्पीकर्स के मामले में सारे फोन में सिंगल स्पीकर है, यहाँ पे इन्फिनिक्स के स्पीकर्स थोड़े से वीक साउंड करते हैं, मोटो का स्पीकर अच्छा है, माइक्रोमैक्स का अच्छा है, रियलमी के भी ओके है स्पीकर। ओवरऑल वीडियोस वगैरह देखने के लिए एक फोन चूज करना हो तो शायद मोटरोला होगा या रियलमी के दोनों फोन में से कोई एक होगा। इसे चलते हैं परफॉर्मेंस राउंड पे। तो यहाँ पे दोनों इन्फिनिक्स के फोन्स और माइक्रोमैक्स N2C पे यूनिसॉक का T610 प्रोसेसर हमें मिलता है, दोनों रियलमी फोन्स पे है यूनिसॉक का T612। अब सुनने में लगता है कि अपग्रेड है T610 का, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि CPU में कुछ भी अपग्रेड नहीं किया गया है, GPU यहाँ पे थोड़ा पावरफुल डाला है लेकिन उसका भी एक कोर कम कर दिया है। तो खैर देखें कैसा परफॉर्म करता है। यहाँ पे सबसे वीक प्रोसेसर जो है मोटो E32S में है जो है हीलियो G37, ये भी सुनने में G35 का अपग्रेड लगता है लेकिन बिल्कुल अपग्रेड नहीं है। खैर यहाँ पे एंटूटू स्कोर में आप देख सकते हो मोटो E32S काफी ज्यादा पीछे है बाकी सारे फोन से, सबसे ज्यादा स्कोर रियलमी C31 ने किया है, फिर आया है इन्फिनिक्स। और आप देख सकते हो जो मैं आपको बता रहा था T612 में ऐसा नहीं है कि T610 से ज्यादा स्कोर आ रहे हैं, वही मतलब GPU स्कोर तो बहुत कम आया है उल्टा T610 वाले फोन से। खैर इतना टाइम इन्होंने ले लिया है, यहाँ पे एक और टेस्ट रन करने का मौका नहीं है, स्टोरेज टेस्ट मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे काम की चीज ये है कि रियलमी के दोनों फोन में हमें UFS स्टोरेज मिलती है, तो जो रीड राइट स्पीड्स हैं वो यहाँ पे काफी तेज है, बाकी चार फोन में EMMC स्टोरेज है, तो उससे फोन जो है थोड़ा सा और स्लो फील होता है जब आप एप्स वगैरह खोलोगे,
या नॉर्मल चीजें जब डाउनलोड हो रही हैं, ये सब हो रहा है। Geekbench भी एक बार रन करके देख लेते हैं और यहाँ पे भी सेम साइड ट्रेंड है। सबसे ज्यादा स्कोर Hot 12 Play ने किया है, Realme C31 भी इसके साथ साथ है और Moto E32s बहुत ज्यादा पीछे है बाकी सारे फोन से। लास्ट राउंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग का CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट, तो 15 मिनट थ्रॉटलिंग टेस्ट करने के बाद सबसे खराब परफॉर्मेंस Micromax की तरफ से आया है, जो सबसे ज्यादा थ्रॉटल हुआ है। सबसे स्टेबल परफॉर्मेंस दे दी है Infinix Hot 11 2022 और Realme C31 ने, और बाकी फोन्स लगभग ठीक ठाक से ही हैं। बेंचमार्क राउंड के बाद भी सिमिलर सा ही ट्रेंड है, रियलमी के दोनों फोन सबसे पीछे चल रहे हैं, Hot 12 Play और Moto E32s सबसे कम बैटरी लूज करते हुए चल रहे हैं। इसे चलते हैं गेमिंग राउंड पे, तो भाई Moto E32s में तो एश फॉल्ट लोड ही नहीं हो पा रहा था, बार बार क्रैश हो रहा था, तो हमने यहाँ पे सीधा BGMI चला लिया। अब यहाँ पे भी Moto E32s बहुत ज्यादा वीक पड़ जाता है, सिर्फ मीडियम फ्रेम रेट यानी 20 FPS तक आप खेल सकते हो, बाकी सारे फोन्स पे आपको 30 FPS का ऑप्शन मिल जाता है एटलीस्ट, और बैलेंस के साथ अल्ट्रा पे भी आप जा सकते हो। हीटिंग वगैरह यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं हुई है, अब इतने कम ग्राफिक्स पे चल रहे हैं गेम्स तो फिर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हीटिंग वाला सीन यहाँ पे नहीं है। लेकिन यार एक चीज है यहाँ पे कि जो सारे प्रोसेसर्स हैं सब 12 नैनोमीटर वाले हैं, मतलब काफी पुरानी टेक्नोलॉजी वाले हैं, तो इसलिए उतने पावर इफिशियंट ये नहीं है। मतलब आप थोड़ा सा देर गेम खेलोगे, 30-40 मिनट्स आपको होगा, एक घंटा टच करोगे, तो आपको थ्रॉटलिंग दिखने लगेगी, आपको लैग्स दिखने लगेंगे। और Moto E32s खासकर भाई परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल भी मत सोचना, मतलब गेमिंग छोड़ो नॉर्मल कैजुअल डे टू डे परफॉर्मेंस में भी Moto E32s काफी ज्यादा स्लो फील होता है, जबकि 90 हर्ट्ज की स्क्रीन है और स्टॉक एंड्रॉइड है, लेकिन तब भी काफी ज्यादा स्लो फील होता है। मतलब मेरे हिसाब से 10,000 प्राइस में अब G37 G35 वाले प्रोसेसर्स उतने अच्छे नहीं है। फिर गेमिंग राउंड के बाद कुछ पासा पलट सा गया है, Infinix Hot 11 22 ने काफी ज्यादा बैटरी यहाँ पे लूज कर दी है। अभी अकेला फोन है फुल HD स्क्रीन वाला, उसका शायद इसको नुकसान हो गया। Moto E32s अब क्लियर लीड में आ गया है और सबसे कम पावरफुल प्रोसेसर था, तो सबसे कम बैटरी लूज करी है इसने गेमिंग राउंड में। चलते हैं अगले राउंड पे, जो है वीडियो प्लेबैक का। सारे फोन में सिर्फ 1080p वीडियो का ये ऑप्शन आपको मिलता है, तो भैया वही हमने रिकॉर्ड कर लिया और यहाँ पे कुछ ज्यादा बैटरी लूज करते नहीं है। सेम मामला है, E32s सबसे आगे है, Hot 11 22 सबसे पीछे चल रहा है। इसे चलते हैं 2 घंटे के सोशल मीडिया स्क्रोलिंग में, और यहाँ पे यार काफी सरप्राइजिंग था, पहली बार ऐसा हुआ है आई थिंक कि कुछ बजट फोन्स हैं जो 6.5 घंटे मार्क भी टच नहीं कर पाए हैं। दोनों रियलमी के फोन्स 6 घंटे से जस्ट पहले डेड हो गए, Micromax N2C और Infinix Hot 11 22 भी 6 घंटा जस्ट क्रॉस होते ही डेड हो गए। रह गए हमारे दो फोन्स जिसमें बैटरी उतनी नहीं बची थी, लेकिन भैया इन्होंने क्या खींचा है अपनी बैटरी को, सीधा लेके चलता हूं आपको बैटरी ड्रेन रिजल्ट्स पे। तो Infinix Hot 12 Play को फायदा हो गया भाई, 6000 mAh बैटरी है, तो 8 घंटे का मार्क अकेला फोन है जो टच कर पाया। बाकी Moto E32s ने अच्छी बैटरी खींच ली, 5000 mAh के हिसाब से ऑलमोस्ट 8 घंटा इसने टच कर लिया। बाकी फोन से थोड़ा सा मुझे शॉक लगा कि इतनी कम बैटरी लाइफ क्यों मिल रही है, मतलब 5000 mAh 720p डिस्प्ले के साथ आराम से 6.5-7 घंटे तो मिलने चाहिए थे। पर यहीं पे वो जो मैं आपको बता रहा था कि भाई ये पुराने प्रोसेसर हैं 12 नैनोमीटर वाले और उतने पावर इफिशियंट नहीं है, तो बैटरी थोड़ी जल्दी चूस लेते हैं ये, उसका यहाँ पे हमें थोड़ा सा नुकसान देखने को मिलता है। एवरेज बैटरी ड्रेन आप देख सकते हो, सबसे तेज स्पीड से बैटरी लूज कर रहे थे दोनों रियलमी के फोन्स और Hot 11 2022, उसमें तो फुल HD स्क्रीन है समझ आता है, बाकियों का पता नहीं। सबसे कम स्पीड से Moto E32s बैटरी लूज कर रहा था, लेकिन वही है इसको फायदा हो रहा था क्योंकि भाई सबसे वीक प्रोसेसर है यहाँ पे, तो बेंचमार्क्स में भी सबसे ज्यादा टाइम लगा रहा था। बाकी देखो ऐसा है, सारे फोन से आपको 1 दिन की बैटरी लाइफ तो आराम से मिली जाएगी, थोड़ा कम यूज करोगे तो 1.5 दिन भी चल जाएंगे। Hot 12 Play में बैटरी इतनी बड़ी है तो वो आपका 2 दिन चल जाएगा पूरा। इसे चलते हैं चार्जिंग टेस्ट की तरफ। तो यहाँ पे काफी सिंपल मामला है, Moto E32s में हमें 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, बाकी सारे फोन्स में सिर्फ 10 वॉट की चार्जिंग है। उसमें भी Realme के फोन्स अभी भी माइक्रो USB केबल हमें देते हैं। खैर यहाँ पे तो कुछ ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो, 30 मिनट के बाद बिल्कुल ही मरे से चल रहे हैं सारे फोन्स, लेकिन Hot 12 Play तो सबसे ज्यादा स्लो चल रहा है, मतलब विश्वास सा नहीं हुआ कि सिर्फ 9% हुआ ये 30 मिनट में। आगे चलते हैं और 1 घंटे बाद ठीक है 50-40s में आ गए हैं कुछ फोन्स, लेकिन फिर से Hot 12 Play सिर्फ 27% पे है, अलग ही स्पीड पे खेल रहा है ये गेम को। और थोड़ा आगे चलते हैं, 1.5 घंटे बाद भी 60s में ही पहुंचे हैं फोन्स, और वही है देखो इन फोन्स को तो आप ओवरनाइट चार्जिंग वाला ही मानो, क्योंकि कभी इमरजेंसी में चार्ज करना पड़ गया तो भाई बहुत टाइम लगने वाला है। खैर सबसे पहले 100 हो गया यहाँ पे हमारा Infinix Hot 11 2022 2.5 घंटे के अराउंड, उसके जस्ट बाद Moto 100 टच हो गया, उसके बाद Micromax और Realme के फोन्स धीरे धीरे 100 हो गए, लेकिन Infinix Hot 12 Play बाप रे विश्वास नहीं हुआ मुझे, इस फोन को 4.5 घंटे लगे हैं फुल 100 होने में।
अब मुझे नहीं पता कि ये आज कुछ इशू हुआ है इसके साथ या यही इसकी नॉर्मल स्पीड है। चार्जिंग रिजल्ट्स में देखो ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं, यहाँ पे किसी भी फ़ोन में ऐसा कुछ बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। मोटो में फास्ट चार्जिंग मिल रही है लेकिन आप देख ही सकते हो कि 10 वॉट 15 वॉट में कुछ फ़र्क नहीं है, बल्कि इन्फिनिक्स तो उससे जल्दी ही चार्ज हो गया। पर कम से कम ये अच्छी बात है टाइप सी पोर्ट एटलीस्ट दे रहे हैं फोन, वो रियलमी ने तो टाइप सी भी नहीं दिया है यहाँ पे। खैर चलते फाइनल रिजल्ट्स पे, तो देखो मोटो E32S यहाँ पे सबसे महंगा फ़ोन है और मतलब 10,000 में आपको इसका 64GB मॉडल मिलेगा। उसके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी मुझे थोड़ा सा कम लगा ये। अब इसके जो बेनिफिट्स थे कि भाई 90Hz की स्क्रीन है जो बाकी किसी फोन में नहीं है, उसका कुछ फायदा ज्यादा नहीं होता है क्योंकि फोन वैसे ही बहुत स्लो फील होता है। दूसरी चीज 15W चार्जिंग है जो बाकियों में नहीं है, उसका भी कुछ रियल वर्ल्ड फायदा हमें देखने को नहीं मिला, इसको भी 2.5 घंटा लग ही गया फुल चार्ज होने में। इन्फिनिक्स हॉट 1122 भाई अकेला फोन यहाँ पे फुल HD स्क्रीन वाला, मतलब 1080p स्क्रीन तो गायब ही हो गई है अंडर 10,000 सेगमेंट से। ठीक है मतलब नॉर्मल यूज के लिए फोन एटलीस्ट स्लो फील नहीं होता है, बाकी कुछ खास यहाँ पे एस सच मिल नहीं रहा है। इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले में भी ज्यादातर चीजें सेम ही है, प्रोसेसर सेम है आपको, बस यहाँ पे बैटरी थोड़ी बड़ी है, स्क्रीन आपको 720p मिल जाएगी। तो अगर आपको लंबी बैटरी खींचने वाला फोन चाहिए तो ऑब्वियसली ये फोन आप कंसीडर कर सकते हो। एक चीज अच्छी लगी मुझे दोनों इन्फिनिक्स के फोन में कि सीधा 464 वाला मॉडल देते हैं भाई, 32GB स्टोरेज से तो काम चलाना काफी मुश्किल है आज के जमाने में, और सस्ते भी हैं फोन, अंडर 9,000 आपको 464 दे रहे हैं, तो डेफिनेटली अच्छी चॉइस बन सकते हैं। माइक्रोमैक्स इन 2C ने भी कुछ ज्यादा कुछ आज कमाल हमें करके नहीं दिखाया, पर इसकी अच्छी बात वही है कि भैया आप सबसे सस्ता फोन है ये, तो अगर आपको बिल्कुल टाइट बजट है अंडर 8,000 आपको फोन लेना है तो ये डेफिनेटली अच्छी चॉइस है। कम से कम आपको 3GB 32GB सीधा दे रहा है और स्टॉक एंड्रॉइड है तो उतना हैवी फील नहीं होता है। रियलमी ने काफी टाइम से कुछ धमाका मचाया नहीं है अंडर 10,000 वाले सेगमेंट में, पर आज इसके फोन की परफॉर्मेंस देख के मुझे लगा कि चलो कम से कम कॉम्पिटिशन से तो बेटर काम कर ही रहे हैं। माइक्रो USB अभी तक दे रहा है रियलमी भाई, ये बहुत ही चिंदी बात लगी मुझे, लेकिन ठीक है 720p डिस्प्ले जो है उसमें कम से कम ब्राइटनेस अच्छी खासी इन्होंने दी है, बाकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक थी, थ्रॉटल वगैरह ये फोन ज्यादा नहीं हुए। रियलमी C30 में भी मोस्टली सेम सा ही मामला है सारा, डबल कैमरा की जगह आपको सिंगल कैमरा मिल जाएगा, बाकी इनकी जो परफॉर्मेंस है, बैटरी है, स्क्रीन है, सब चीज ही बिल्कुल सेम लगी मुझे। इसकी जो अच्छी बात थी फोन की कि ये 7,500 का लॉन्च किया था रियलमी ने, लेकिन अब इसका प्राइस बढ़ के भी 8,000 के ऊपर हो गया है, तो अब मैं इसको उतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, उससे बेटर फिर आप C31 ही ले सकते हो या फिर आप इन्फिनिक्स का कोई फोन ले सकते हो। इन फोन में से एक कोई फोन चुनना थोड़ा मुश्किल है, मैं तो सीरियसली यही बोलूंगा कि देखो अगर बजट आपका थोड़ा खिंच सकता है तो आप 11,000-12,000 तक जाके थोड़ा बेटर फोन ले लो, बाकी इनमें से अगर बिल्कुल टाइट बजट है अंडर 8,000 तो भाई माइक्रोमैक्स N2C आप ले सकते हो, और अगर आप 9-10,000 तक स्पेंड कर सकते हो तो फिर रियलमी C31 सही लग रहा है मुझे। खैर ये था आज इन सारे फोन्स का बैटरी टेस्ट, भाई कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस और नेक्स्ट कौन से फोन्स का बैटरी टेस्ट देखना है फटाफट नीचे कमेंट कर दो, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।